डॉक्टर साहब हमारे आगे भाई भारी हर कोई पर साथ करने में लगे और खास करके उनके परिवार के लोग डॉक्टर साहब आज हम सामने डॉक्टर साहब जो तो पेशेंट को तो डांस कराते थे, अब खुद डांस कर रहे हैं। तो जो भी पेशेंट आता था पहले रो रो के आता जाता, फिर आप हंसा हंसा के भेजते हो उसको। पहले रोता था कि डॉक्टर साहब मेरा दांत ठीक है, मैं मर जाऊंगा, आप ऐसा करते तो हंस के भागता है। तो आज जो सर जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताएंगे। नुआखाई में आप खूब डांस कर रहे हैं, मजा मस्ती ले रहे हैं। देखिए हमारा ये वरुण एन्क्लेव परिवार है, यहाँ जितने लोग हम रहते हैं कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। गणेश पूजा बहुत धूमधाम से दो दिन मनाए और आज शाम को हम लोग अभी नुआखाई भेंटघाट कर रहे हैं। इसमें हम लोग का जो संबलपुरी कल्चर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, संबलपुरी वस्त्र परिधान किए हैं। और ये संबलपुर का सबसे बड़ा, संबलपुर का पूरा संबलपुर नहीं, वेस्टर्न उड़ीसा नहीं, भारत नहीं, विश्व में अभी ये हो गया है कि हमारा जो गणपर्व है वो सबको मालूम हो गया। ये मालूम कैसे हुआ? आप लोगों के माध्यम से। ये जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी में ये सब देख के लोग सब जान गए कि क्या है ये। ये एक्चुअली है क्या, जो हम लोग पहला जो धान हमारा जो हम लोग अरे नहीं पहला धान जो निकलता है उसको देवी माँ समलेश्वरी को हम लोग अर्पण करते हैं और सारे परिवार के लोग एक साथ मिल के खाते हैं। जो एक समय ऐसा हो गया आजकल कि कोई किसी को जानता नहीं है, वो चीज़ आज हट गया। अब एक दिन कम से कम सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, होके मिल के खाना खाते हैं और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने बड़े लोग हैं उनको सब छोटे प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और माँ समलेश्वरी के आशीर्वाद से हमारी ये समलेश्वरी भूमि पूरा वेस्टर्न उड़ीसा आज बहुत अच्छा कर रहा है। माता का आशीर्वाद है, जय माँ समलेश्वरी। चलिए अभी हमने डॉक्टर साहब से सुना, क्यों कहते हैं जो भी जहाँ रहता है एक बार जरूर आता है और ये हम लोग का परिवार का मिलन अलग टाइप का होता है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।